गुलाम फरीद, मैं राज्य बिहार जिला मुजफ्फरपुर से हूँ। ये मेरा भांजा साकिब राजा, जिसको पिछले साल से सर में परेशानी थी दर्द का, और आँख जो है से इसको थोड़ा प्रॉब्लम आँख का था, जिसकी वजह से मुजफ्फरपुर में ही बहुत सारे डॉक्टर से दिखाया गया, इलाज चला, लेकिन आँख का कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद जो है से परेशानी जब ज़्यादा बढ़ा, तो कुछ दिन पहले जो है से डॉक्टर को बोला गया कि जो इसको थोड़ा अच्छा से देखा जाए, क्योंकि क्यों इसका परेशानी बढ़ रहा है। तो डॉक्टर ने सीटी स्कैन लिखा, सीटी स्कैन का रिपोर्ट आने के बाद मालूम चला कि इसको ब्रेन ट्यूमर हो चुका है, तो उन्होंने पटना रेफ़र कर दिया। पटना उमा अस्पताल में हम लोगों ने गए, वहाँ पे इसका एमआरआई का रिपोर्ट लिया गया। रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि ट्यूमर तो है, लेकिन काफ़ी अंदर में ब्रेन के बीच में फंसा हुआ है, जो काफ़ी क्रिटिकल था। वहाँ के जो डॉक्टर थे, सीनियर डॉक्टर लोगों ने वो बोला कि हम इसे जो है से इसका सर्जरी नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए जो मुझे इलाज के लिए इक्विपमेंट जो होना चाहिए, जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो मेरे पास नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि हम दो चार सर्जन मिलकर अगर इस पर काम करें तो हो सकता है कहीं इसको मैं ठीक कर सकता हूँ। फिर उन्होंने डिसीजन लेने के बाद भी कई सर्जनों से वो बोले कि नहीं, हम यहाँ पे इसका इलाज नहीं कर सकते, आप इसे लेकर हायर सेंटर चले जाएँ। तो हम लोगों ने इसे लेकर के दिल्ली आए। दिल्ली में बहुत सारे अस्पतालों में गए, सब जगह जो है से कोरोना को लेकर के जहाँ इसका इलाज होने का संभव था वहाँ ओटी बंद था, और कुछ लोगों ने कहा कि जे हम इसको नॉर्मल ट्यूब डाल देंगे तत्काल में, तत्काल तो रिलीफ मिल जाएगी लेकिन सर्जरी बाद में किया जाएगा। तो हम लोगों ने सोचा नहीं, सर्जरी और ट्यूब दोनों एक ही साथ डाला जाए, क्योंकि बच्चा है, एक बच्चा को बार बार सर खोलना, सर्जरी कराना ठीक नहीं है। तब जो है से हम लोग काफ़ी परेशान था, बहुत जगह गए, पता नहीं चल सका कहाँ जाए। तो अंत में एक मित्र के सजेशन से मुझे नारायणा अस्पताल के बारे में मालूम चला। कोरोना का भी काफ़ी डर था कि कैसे जाए, क्या व्यवस्था होगी, क्या जो है से वहाँ पे जो है से सुविधाएं दी जाएगी, लेकिन सर से बात करने के बाद सर बोले कि आइए जो है से हम यहाँ पे कोई तरह के कोई परेशानी नहीं होगी। जब यहाँ पे आए तो इसको जाँच किया गया, बच्चे की कंडीशन देखते हुए और ट्यूमर का साइज़ देखते हुए ये डिसाइड किया गया कि इसको सर्जरी की ज़रूरत है और जल्द से जल्द सर्जरी की जाएगी। अगर हम इनका एमआरआई देखें तो यहाँ पे जो ये सफ़ेद हमको दिखाई दे रहा है, ये हमारा इनका ट्यूमर है, ये इनका ब्रेन का ट्यूमर है। और यहाँ पे हम देखें कि काफ़ी बड़ा ट्यूमर इस एरिया में बना हुआ है। ये जो ट्यूमर है ये हमारे ब्रेन के बिल्कुल सेंटर वाले हिस्से में है, जहाँ पे हमारा बॉडी के जो हार्मोन्स बनते हैं, जो हमारी ग्रोथ के लिए है, जो हमारे स्टेरॉइड्स बनते हैं, थायराइड हार्मोन बनता है, और जहाँ पे हमारी आँख की नस होती है। तो जब ये बड़ा होता है तो आँख की नस पे दबाव देने के कारण आँख की रोशनी कम हो जाती है। तो इन इस बच्चे में हमने देखा था कि जब आए थे तो लेफ़्ट आँख की रोशनी तो ना के बराबर थी, जिसको बहुत मुश्किल से बस लाइट दिखाई दे रही थी, और राइट साइड तो देख पा रहा था लेकिन रोशनी कमज़ोर हो गई थी। साथ में हमें देखा कि बच्चा की हाइट उनकी उसकी एज के हिसाब से काफ़ी कम है, उसका वेट भी कम था। तो ये इस ट्यूमर का इसको हम बोलते हैं क्रेनियोफेरेंजोमा। उसका बड़ा पिक्यूलियर वो होता है कि ये बॉडी के हार्मोन्स को अफेक्ट कर देता है, और जो बॉडी के नॉर्मल हार्मोन्स हमें चाहिए होते हैं ग्रोथ होने के लिए, वो इसके वजह से रुक जाते हैं और बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट स्लो हो जाती है, जैसे कि इस बच्चे में हमने देखा। अब बच्चे को साइंस से बहुत ज़्यादा प्रेशर के परेशानी की तो सर्जरी की आवश्यकता थी। तो इनको चार दिन पहले इनकी सर्जरी की गई, जहाँ पे हमने इनके अंदर एक शंट डाला, इसको हम वीपी शंट बोलते हैं, जो बेसिकली ज़्यादा पानी को, दिमाग के पानी को कम करता है, और साथ में क्रेनियोटॉमी करके मतलब हड्डी को हमने खोल के और इनके ट्यूमर को निकाला गया। सर्जरी काफ़ी सक्सेसफुल रही, सर्जरी में ऐसी परेशानियाँ नहीं हुई। मैं इनके बाद का स्कैन दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो सफ़ेद पाइप पड़ा हुआ है, इसको वीपी शंट बोलते हैं, जो पानी की थैली में गया हुआ है। इस वाले पहले की सर्जरी में पानी काफ़ी भरा हुआ था, वो इससे कम हो गया है। और साथ में यहाँ पे हमने सर्जरी करके, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो ट्यूमर दिखाई दे रहा था, वो ट्यूमर पूरा नेली पूरा का पूरा निकल गया है। लोग कहते हैं डॉक्टर भगवान के रूप होते हैं, जैसा कि मैंने देख भी लिया कि मेरा भांजा जो ज़्यादा परेशान था, इसकी वजह से मेरी पूरी फैमिली परेशान थी, और ज़्यादा भटकना पड़ा, और यहाँ आने के बाद जो मुझे व्यवस्था मिली, और डॉक्टर अनुराग सर का मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और उनके सारी टीमों का जो
इस समय जो कोरोना काल में भी मेरे साथ अच्छे से ट्रीटमेंट किए, और इस नारायणा हॉस्पिटल इसको भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जो यहाँ हर तरह की जो सुविधाएं मौजूद है एक ही बिल्डिंग में सारी सुविधाएं मिल गई, मुझे कहीं भी यहाँ आने के बाद जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सर्जरी के बाद इन सब ट्यूमर्स में कुछ परेशानियाँ रहती हैं, हार्मोन समय देने पड़ते हैं, कई बार पेशाब ज़्यादा आता है, पेशाब की मात्रा ज़्यादा आती है जो हमें कंट्रोल करना पड़ता है। तो अभी बच्चा स्टेबल है, 4-5 दिन हो चुके हैं बच्चा, अभी हम उसको प्लान कर रहे हैं कि इसको कल हम घर भेज देंगे। जब हम यहाँ आए थे नारायण अस्पताल में, डॉक्टर अनुराग सर से मिलने के बाद जब सारे रिपोर्ट उन्होंने देखा MRI का, तो मैंने उनसे पूछा कि सर मेरा भांजा तो ठीक हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मुझ पर विश्वास रखें, यहाँ अक्सर ऐसा केस आते रहते हैं, मैं सभी को इलाज करता हूँ, सभी को ठीक करके मैं उनके घर भेजता हूँ, आप मुझ पर भरोसा रखें। मैंने उनके बातों पर भरोसा किया और ट्रीटमेंट शुरू करवाया, और ठीक वैसा ही मेरा भांजा आज ठीक है, ठीक होने की स्थिति में हम लोग अब यहाँ से छुट्टी होने की स्थिति में हैं, हम अब लोग जाने वाले हैं, और उनको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और लोगों को कभी भी किसी तरह की कोई परेशानी हो तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर के अनुसार को ट्रीटमेंट कराएं, उन पर विश्वास रखें, भरोसा रखें, डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, वो तो बस ठीक हो जाए।